नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को चार राज्यों में जीत मिली। जीत मिलने के बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए चारों राज्यों में पर्यवेक्षकों का गठन कर दिया है। पर्यवेक्षकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड के केयरटेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही विधानमंडल दल की बैठक होगी और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसी के साथ उन्होंने उत्तराखंड वासियों की फूलदेई त्योहार पर बधाई भी दी। नई सरकार गठन की जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नहीं, फूलदेई हमारे यहाँ से बड़े धूमधाम से प्रकृति संरक्षण का एक त्यौहार है, एक पर्व है और निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड हमारी देवभूमि है वहीं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में भी आज हमारे उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मैं सभी प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने रविवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत ना दिला पाने पर पीड़ा जाहिर की। रावत ने लिखा, वो कांग्रेस नेतृत्व की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए जिन्होंने उन पर भरोसा जताया था। एक प्रकार की समीक्षा बैठक थी। मैं कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल इन पांच राज्यों के चुनाव नतीजों पर शीर्ष स्तर पर विचार आवश्यक समझा और लगभग पाँच घंटे से भी ज़्यादा समय तक जो है बैठक चली और खुल करके बातें हुई और बड़ा विचार मंथन हुआ। लीडरशिप ने भी बातें कही और सदस्यों ने भी अपनी बातें कही और उसके निष्कर्ष स्वरूप सबने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है बल्कि हमारे जो बुनियादी वसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक हैं, मगर कहीं न कहीं पर जो रणनीतिक चूकें कहीं हो रही हैं या संगठनात्मक जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे। और उसके लिए सोनिया जी से आग्रह किया गया कि आप जो है, और एक राय से सबने आग्रह किया कि एक तो हम आगे की रणनीति कैसे बनाएं जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के लिए भी और 2024 के लिए भी, उस पर फिर से चर्चा हो और विस्तार से चर्चा हो। हम संगठनात्मक तौर पर जहाँ जहाँ जो करेक्टिव स्टेप लेने हैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को करेक्टिव स्टेप ले लें क्योंकि कुछ कमजोरियां हमेशा उभर करके आती हैं राजनीतिक दल के रूप में, हमको उन कमजोरियों को दूर करना है। और लोगों की सबकी एक राय थी कि कांग्रेस इस समय जब एक तरफ ऐसी ताकतें जो देश के उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति तक की पहुंच नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, उसकी अरमानों को कुचल रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए जिस तरीके से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, आदि सब बातों पर गहराई से मंथन हुआ और लोगों ने ये महसूस किया कि हमको फिर से और ज़्यादा शक्ति के साथ, पहले से ज़्यादा शक्ति के साथ और एकजुट होकर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई की हार के बाद अब हरक सिंह रावत पर हमला तेज हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लैंसडॉन विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई है कि वे कितने बड़े नेता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को
खो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो कि हरक सिंह रावत में नहीं है। पर क्या कहेगा? देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे, लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है। और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि इन जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल अपने बड़बोले और बेतुके बयानों के लिए चर्चित डॉक्टर धन सिंह रावत चुनाव जीतने के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित कर डाला और उन्हें मुंबई भेजने की बात कही। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप तिवाड़ी को चवन्नी कहकर उन्हें करनाल भेजने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन सिंह रावत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बार हम अच्छी चवानी के तो बंबई भेजेंगे, लेकिन नकली चवानी को करनाल भेजेंगे। पता है कि नहीं है? पता। के साथ जो चुनरी है उसको भी जो है यहाँ से करनाल भेज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा से नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का आज खटीमा के वार्ड नंबर 13 के वासियों ने भूमिसेन मंदिर में कार्यक्रम आयोजित कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान भूमिसेन मंदिर के अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी ने नव निर्वाचित विधायक कापड़ी को ईमानदार, स्वच्छ और साफ छवि का बताते हुए उनके संघर्षों और कार्यशैली की सराहना की। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने जनता से मिले आशीर्वाद और प्यार का आभार व्यक्त करते हुए जनता के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिया। ये जनता का जुनून था, जनता का सौभाग्य है कि ऐसा विधायक मिले हैं जो ईमानदार, स्वच्छ, साफ छवि के हैं। मगर कुछ असामाजिक तत्वों ने इन्हें बदनाम करने की कोशिश करी, मगर जिसको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा है ना जिसको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, जो सत्य है वो भगवान जानता है, इसलिए सत्यता की भी। मैं तो अपने वार्डवासियों का धन्यवाद करूँगा कि बचपन से आज तक जब जब भी मैं जो चुनाव लड़ा मेरा बहुत सहयोग किया है, और आज बड़े उत्साह के साथ जीत का जश्न हमारे वार्ड में मनाया गया, और मैं अपने वार्ड के सभी लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे युवा साथियों का, हमारे माताओं का, बहनों का, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में वार्ड में आपका भाई, बेटा, दोस्त बनकर ही काम करूँगा, और अपने वार्ड को जो है और प्रतिमा को। उत्तराखंड के जसपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने जीत का परचम लहराया, जिसके बाद आदेश चौहान ने शहरवासियों के साथ फूलों की होली खेलकर अपनी जीत की खुशी मनाई। वहीं आदेश चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष शहर में होली खेली जाती है, इस साल होली से पहले विजय श्री मिली है, इसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूँ। ऐसा है कि मैं प्रतिवर्ष फूलों की होली शहर में खेलता हूं, और ये अपने क्योंकि होली से पहले विजय श्री मिली है हमें कि जनता के प्यार और विश्वास से, तो मैं उनको आज फूलों की वर्षा से उनको होली मिलन एक और जो समय आराध की बधाई देता हूं, और जीत की बधाई भी उन्हीं को दे रहा हूं। एक साथ ही सब काम हो रहा है।
नहीं बातें नहीं, मैं तो विश्वास का, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। जनता के साथ मैंने कहा है कि जो जनता की आवश्यकता है मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूंगा और जो उनकी मूलभूत जरूरत है उनको। उत्तराखंड में कांग्रेस करारी हार के बाद मंथन कर रही है। आपको बता दें कि तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कंबोज धर्मशाला में बैठक की, जहां सभी क्षेत्रीय दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा कि आम जनता से मुझे ढेर सारा प्यार मिला है, मैं हारा नहीं हूँ, सभी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। जहाँ तक लोगों का प्यार की बात है, बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया। मैं अपने आप को हारा नहीं मानता। मैं आज इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था कि आप लोग आएँ, एक जगह बैठें और उनको धन्यवाद देने के लिए, होली की बधाई देने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है मैंने किया था। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनत किया, आज उनको धन्यवाद मैं आपके माध्यम से देता भी हूँ। और सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने बूथ अपने आसपास को मजबूत रखें, कांग्रेस तभी मजबूत हो। समीक्षा बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं ने आके अपनी भावनाओं से सभी कांग्रेसजनों को अवगत कराया। बहुत सारी चीज़ें थी जिन लोगों को लेकर के संशय था, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम लोगों ने एक आकलन, एक पूरा मैप तैयार किया है, पूरा एक आकलन किया है कि प्रत्येक बूथ में कौन कौन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाने का काम किया, किस लोगों ने हमारे फ़ायदा किया, किन बूथों से हम जीते, कौन कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खिलाफ काम किया। तो ये तमाम बहुत सारे बिंदु थे जिन पर आज चर्चा हुई है। और इस पूरी बैठक के बाद जो निचोड़ है उससे हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और जल्द ही कांग्रेस पार्टी का भविष्य में सकारात्मक नतीजे आए इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही कांग्रेस पार्टी ठोस फैसले देने का काम करेगी, मजबूत फैसले देने का काम करेगी और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत करने का काम करेगी और जिन्होंने गलत काम किया है उनको बाहर का रास्ता दिखा। रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित सिनेमा घर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए पहुंची हिंदू संगठनों से जुड़ी साध्वी प्राची ने फिल्म देखने के बाद फिल्म को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना की सच्चाई बताया है। उनका कहना है कि आज हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई घटना की सच्चाई देखने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफी दर्द महसूस हो रहा है। वो जेहादी मानसिकता के लोग हैं और मैं कहूंगी कि उन लोगों को अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने कश्मीर जो पंडित हैं उनकी रियलिटी दिखाई है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सच को दिखाया है। यही तो मैं कह रही हूँ कि कितनी बड़ी हिम्मत उन्होंने की है कि कश्मीर के जो पंडितों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको किसी कहने की हिम्मत नहीं थी। ये पिक्चर बनाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं चाहूँगी कि इस पिक्चर पर टैक्स फ्री हो और कॉलेजों में भी फ्री दिखाई जाए बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर अब से पहले क्या क्या हो। लालकुआ में आगामी होली और शबे बारात के त्योहार को देखते हुए कोतवाली परिसर में शांति कमेटी की बैठक हुई। यहां उप जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्षेत्र के तमाम गणमान्य शामिल हुए, जिसमें अधिकारियों ने होली और शबे बारात त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही लोगों को आश्वस्त भी किया कि त्योहार में खलल डालने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। यहां कोतवाली परिसर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, ये आपसी सद्भाव और भाईचारे का भी प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम भाइयों का शबे बारात पर्व भी है, इसे सभी सौहार्द पूर्वक मनाएं। ये दोनों त्योहारों की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है। देखिए, सुबह रात और होली दो पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक शांति कमेटी की बैठक लालकुआ थाने में जो आयोजित किया गया था और इसमें मुख्य रूप से जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होनी चाहिए, जैसे सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और साथ ही साथ
अमन चैन के साथ शांति के साथ ये त्यौहार मनाया जा सके उसके लिए विभिन्न पक्षों से बातचीत कर उनसे आपसी सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।